नमस्कार, स्वागत है आपका इंसाफ की आवाज में। मैं हूं अभिलाषा दुबे। आइए देखते हैं आज की ताजा खबर। घाटशिला के पुटरू गांव में रहने वाले टोल प्लाजा में उचित मुआवजा नहीं दिए जाने का विरोध गांव वासी शनिवार को उपायुक्त कार्यालय पहुंचकर प्रदर्शन दिया। बता दें कि ग्रामीणों का कहना है कि वर्तमान में उस जमीन की रजिस्ट्री 60,000 रुपए प्रति डिसमिल के हिसाब से हो रही है, लेकिन उन्हें मात्र 6,000 रुपए प्रति डिसमिल ही दिया जा रहा है। इस मुआवजे से गांव के लोग असंतुष्ट हैं। इनका यह भी कहना था कि टोल प्लाजा से 3 गांव के करीब 200 लोग प्रभावित हो रहे हैं, ऐसे में उन्हें इतना कम मुआवजा देना उचित नहीं है। 60,000 से 70,000 रुपए की जमीन को वे कैसे 6,000 रुपए में छोड़ देंगे? जब तक उचित राशि नहीं दी जाती है तब तक वे लोग आंदोलित रहेंगे और टोल ब्रिज के कार्य को होने नहीं देंगे। शुरू से ही गलत है, क्योंकि एक टोल प्लाजा से दूसरा टोल प्लाजा का जो आपका दूरी होना चाहिए वो 60 किलोमीटर का होना चाहिए, लेकिन ये जो दूरी है 37 किलोमीटर पे ही मात्र बनाया जा रहा है। और इसके अलावा भी हम लोगों के साथ वहाँ पर सिर्फ 6,000 रुपये पर डिसमिल दिया जा रहा है। आज के डेट में रोड किनारे 24,000 रुपया या 32,000 रुपया कट्ठा में सरकार अगर हमें ज़मीन कहीं उपलब्ध करा दे तो हम लोग ज़मीन ऐसे ही दे देंगे, लेकिन सरकार इसके हम लोग के साथ बहुत बेरुखी कर रही है। और इसके लिए हम लोग माननीय हेमंत सोरेन जी से मतलब निवेदन करते हैं कि हम आदिवासियों और विस्थापित हो रहे लोगों के लिए थोड़ा सा हम लोग के लिए मतलब आगे का कार्रवाई करें, और हम लोग का इस समर्थन में हमारा विधायक रामदास सोरेन जी हम लोग के साथ है। आज आर्बिट्रेशन में बुलाया गया था, आर्बिट्रेशन में यही फैसला हुआ है कि आगे फिर डेट दिया जाएगा। और इसके बाद इसमें क्या हो रहा है कि गांव में जा के हम लोग को अमीन जाके धमकी भी दे रहा है कि ले लो पैसा, नहीं तो पैसा जाके जमा कर देंगे कोर्ट में, आज पैसा ले लो कल पैसा ले लो, इस तरह का हम लोग को डराया और धमकाया जा रहा है। हम लोग दो वक्त की रोटी खाने वाले मजदूर हैं, हम लोग के बारे में सरकार को सोचना चाहिए कि हमारी ज़मीन पर हम लोग कृषि करते खेती करते हैं, जो भी है सारा चीज़ उसी से हम लोग का जीवन यापन होता है, लेकिन हम लोगों को मात्र 6,000 रुपये डिसमिल, जिसका 4 गुना 24,000 रुपये डिसमिल, 24,000 रुपये डिसमिल में हम लोग को दिया जा रहा है। ये कहाँ का न्याय है? आप डिमना चौक से लेकर चिड़चिड़ा बॉर्डर तक चले जाइए, अगर 24,000 डिसमिल का ही अगर ज़मीन मिल जाए तो सरकार हमें दे दे और ज़मीन ले ले, आप तो वहाँ राजस्व की वसूली करेंगे। और सबसे बड़ा मुद्दा है कि टोल प्लाजा 60 किलोमीटर के अंदर में दो टोल प्लाजा कैसे बन रहा है, ये भी देखना चाहिए सरकार को। इसमें तो सरकार का राजस्व कहानी है, ये तो बहुत ही ज़्यादा गलत है। इसीलिए हम लोग सरकार को एक महीना का अल्टीमेटम देते हैं, एक महीना के अंदर अगर हम लोग का मुआवजा सही राशि में नहीं दिया गया, हम लोग का डिमांड है 1,25,000 रुपये डिसमिल, अगर इससे कम हुआ तो हम लोग इसके बाद NHI का घेराव करेंगे और वहाँ का टोल प्लाजा को बंद कर देंगे अनिश्चित काल के लिए। हम लोग वहीं धरना प्रदर्शन में बैठ जाएंगे और हो सकेगा तो हम लोग एक एक करके आत्मदाह भी कर लेंगे। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं एक नई खबर के साथ। नमस्कार।